हेलो क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग। तो कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को और हम लोग फैक्टर एंड मल्टीपल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2D। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कर लिया है और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन 10 to 18। ठीक है, 10 to 18 क्वेश्चन में क्या है, ये है फाइंड HCF यूजिंग डिवीजन मैथड। आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है लेकिन डिवीजन मैथड का यूज़ करके। ठीक है, डिवीजन मैथड का, इससे पहले आपने HCF फाइंड किया, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके, और आज हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड का यूज़ करके। ओके, तो रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये हमारा प्रॉब्लम है 1045 और 51520। ठीक है, इनका हमें फाइंड आउट करना है HCF, इनका फाइंड आउट करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिवीजन मेथड से करना है, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर, ये है डिवीजन मेथड, यानी डिवाइड करके ही हमें फाइंड आउट करना है। समझ रहे ना, डिवाइड करके, जैसे बचपन में डिवाइड करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो चलिए भाई डिवाइड किया जाए। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बड़े नंबर को, हमेशा बिगर नंबर को ही डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से। इसीलिए दो नंबर आपके पास है, इनमें से जो बिगर है उसको अंदर रखेंगे, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से जो स्मॉलर नंबर है। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहला स्टेप था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिगर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। अब डिवाइड किया जाए तो देखा जाए तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम में ही जाएगा, तो वन टाइम में ले जाते हैं, वन टाइम में जाएगा तो 1045 आएगा। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 4 गया बचेगा 7, 4 में से 0 गया बचेगा 4, और 1 में से 0 हो गया। अब देखिए इतना तो हमने कर लिया, अब इसके बाद अगला स्टेप जो है वो क्या करना है, अगले स्टेप में हमें ये करना है कि अब ये जो रिमाइंडर बचा है इससे डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स अब इससे डिवाइड किया जाएगा, किसको डिवाइड करना है, ये जो आप देख रहे हैं 1045, फर्स्ट टाइम में हमने जिससे डिवाइड किया है अब इसी को डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आया है। That means, समझ रहे ना, 1045 को अब डिवाइड करेंगे, 1045 को अब डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आया है उससे। तो चलिए भाई डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड किया जाए तो कितने टाइम जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया और 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम में लेके जाएंगे, तो 2 टाइम में लेके जाते हैं, 2 टाइम लेके जाया जाए तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 का 5 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 950 आ गया भाई, 950 आ गया। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, माइनस करते हैं, 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा आपके पास, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया। अब यहाँ 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आ गया, ये हो गया 95। अब देखो सेम जो सेकंड स्टेप है ना उसी स्टेप को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये 95 रिमाइंडर आ गया है हमारा, अब हम 95 से डिवाइड करेंगे, 95 से डिवाइड करेंगे किसको, 475 को, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को डिवाइड करते जाना है, 475 को अब हम डिवाइड करेंगे, तो 95 है, ठीक है, 9 2 जा 18 हो जाएगा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ठीक है, 9 5 जा 45, तो 5 टाइम अगर हम लेके जाते हैं, ठीक है, 5 टाइम, चलो देखा जाए यहीं पे करते हैं 5 टाइम, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, कैरी 2 हो गया, 9 5 जा 45 प्लस 2 47, ये तो हो गया भाई 5 टाइम में पूरा कैंसिल। क्लियर है, 5 टाइम में पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, तो अब जो HCF है हमारा, HCF आ गया है, अब क्या है HCF, ये देखिए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वही क्या होगा, वही आपका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 0 मिले, ये ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करने पर, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पर अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो वही नंबर क्या होगा, HCF हो जाएगा, ठीक,
95 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ 0 मिल गया, तो हमारा एस सी एफ क्या हो जाएगा 95। लास्ट हम राइट करेंगे हैंस हैंस द एस सी एफ ऑफ 1045 एंड 1520 इज 95 क्या हो जाएगा आपका एच सी एफ हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं इसके और बहुत सीधे तरीके से एकदम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, ये तो टू डिजिट का मतलब टू नंबर्स का हो गया, टू नंबर्स का। अब थ्री नंबर्स का भी देख लेते हैं। क्लियर है भाई इतना ना, चलिए आगे बढ़ा जाए, थ्री नंबर्स का भी चेक कर लेते हैं। देखिए भाई थ्री नंबर्स का हम लोग लेते हैं, चलिए 17 नंबर लिया जाए, 3914255527, ठीक है ये नंबर है। थ्री नंबर्स का कैसे करते हैं, करना वही है, करना हमें वही है। देखिए थ्री नंबर हो गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव पहले टू नंबर्स को लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टू नंबर्स को लिया जाए, ठीक, और ये सब पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इसका मतलब कि इन दोनों नंबर को हम लेते हैं, वी हैव 391 425, ठीक है। 391 डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड। अब डिवाइड किया जाए तो वन टाइम में ही जाएगा, वन टाइम में ही जाएगा, क्लियर। 391 वन टाइम में लेके गया तो 5 में से 1 जाएगा आपके पास 4 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 में से 3 0 हो गया। अब करना वही है सेकंड स्टेप में, 34 से डिवाइड करना है 391 को, 391 को डिवाइड किया जाए तो कितना टाइम जाएगा, 391 है ना, 3 4 जा 12, ठीक है 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 7 या 21, 3 8 या 24, 3 9 या 27, 3 10 या 30, ये तो 34 पहले वन टाइम ले जाओ तो 34 है, तो 39 से ऐसे ही बढ़ा जी, क्या हम लोग कर रहे हैं, वन टाइम ले जाते हैं तो वन टाइम ले जाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ 5 बच जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तो 0 हो गया। क्लियर है ना इतना। अब 51 है और 51 अब कितने टाइम ले जाएंगे, 2 टाइम ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अभी भी 1 टाइम ही जाएगा क्योंकि 2 टाइम ले जाओगे तो 4 2 जा 8 हो गया और 3 2 जा 6 68 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 टाइम में ले जाते हैं 34, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और 4 में से ये हो जाएगा। अब हम 17 से ध्यान दीजिएगा, 17 से अब डिवाइड करेंगे 34 को, तो ये तो क्लियर है, 17 से डिवाइड कर देंगे 2 टाइम में 0 मिल गया, ठीक 0 मिल गया, लेकिन ये एचसीएफ नहीं है क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इन्हीं 2 नंबर्स का ही ना किया है, हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो हमें अभी सिर्फ 2 नंबर का हमने किया है तो इसलिए 0 मिल गया, तो ये मत सोचिएगा कि 17 एचसीएफ हो जाएगा यहीं पे, नहीं, अभी हमें तीसरे नंबर के साथ भी फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए भाई इन दोनों का एचसीएफ आ गया हमारे पास, ठीक, इन दोनों का यानी कि 391 और 425 का एचसीएफ आ गया है 17। अब इन दोनों का जो एचसीएफ आया है दैट मीन 17 और ये बचा हुआ जो नंबर है इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। नाउ अब हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव 17 और है 527। अब इसका हम जो है फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ, ठीक, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 17 है तो कितने टाइम में ले जाएंगे, 52 है तो भाई 52 से ही करते हैं, 3 टाइम में ले जाएं, 7 3 21 कैरी टू 51, ठीक, तो 3 टाइम में ये हो गया आपके पास क्या 51 और यहाँ पे ये हो गया 1 और 7 को प्रिंट डाउन किए हो गया 17,
अब ये वन टाइम में चला जाएगा 17 और हमें रिमाइंडर क्या मिला 00, ठीक है। यानी कि ये 527 ये भी 17 से डिवाइड हो गया और हमें रिमाइंडर में 0 दे रहा है, रिमाइंडर में 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों नंबर का जो HCF आया है वो क्या है 17, क्योंकि इन दोनों का HCF आया 17। फिर ये जो HCF आया है 17 और ये जो बचा हुआ नंबर है ये, इन दोनों का HCF करेंगे तो HCF करने पे फिर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यानी डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो 17 है ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा HCF इन तीनों नंबर्स का। तो हम यहाँ राइट करेंगे लास्ट में, हैंस HCF ऑफ 391, 425, 527 is 17, ठीक है। जो HCF है तीनों नंबर का वो क्या हो जाएगा 17 आपको मिलेगा HCF, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 से 18 तक आपको करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज को लेके क्वेश्चन नंबर 19 से, ठीक है। तब तक आपको कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 10-18 अपनी क्लास फॉर कॉपी में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।